अल्लाह की पकड़। दोस्तों आइए हम जानते हैं अल्लाह की पकड़ कैसी होती है। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूब गया। शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में आयाशियां करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंपे अरसी की बादशाहत का इंतजाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पर जहर या जख्म पनपने से इब्रतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हिटलर के इरादे और भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकशी पर मजबूर हो गया। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो धन दौलत ताकत कुवत वसाइल रसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गुरूर घमंड और तकब्बुर यहीं पर रह जाता है। कुछ जाता है तो साथ आमाल और किरदार, आमाल सालिहा और किरदार खैर, अच्छे किरदार ही साथ जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को अच्छे आमाल और किरदार खैर, किरदार हसना करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रन जज़ाकल्लाह खैर।